30 जुलाई 2010 को सेक्टर 38 वेस्ट में नेहा, 23 साल की नेहा जो कि एक स्टूडेंट भी थी, एक होनहार स्टूडेंट थी, उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता था। हालांकि पूरा ब्लाइंड मर्डर था। लगातार पुलिस इस मामले में कई साल इन्वेस्टिगेशन हुई और अब 14 साल बाद जाकर पुलिस ने इस मामले में जो आरोपी है मोनू नाम का, उसको गिरफ्तार किया है। इस बीच कई इन्वेस्टिगेशन हुई, कई फॉरेंसिक चीजें हुई, टेक्निकल चीजें हुई, लेकिन फाइनली इस बार जाकर मोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। मोनू जो एक्यूज्ड है वो कई मामलों में पहले भी इन्वॉल्व है। मंजीत कौर का 2022 में मर्डर हुआ था, उसका भी बेरहमी से मर्डर किया था, उसमें भी मोनू इन्वॉल्व है। उसके अलावा कई और मामले भी दर्ज हैं, मलोया के साथ साथ 39, 34 कई मामले दर्ज हैं। हालांकि पुलिस ने लगातार इन्वेस्टिगेशन करते हुए टेक्निकल, ह्यूमन इंटेलिजेंस, फॉरेंसिक की मदद से अब जाकर उसको गिरफ्तार किया है। नेहा का परिवार हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। उनके फादर जी, उनके मदर हमारे साथ हैं। राजवीर जी, 14 साल का समय हालांकि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अब जाकर पुलिस ने कामयाबी हासिल की। नहीं, हम तो यही है कि भाई पुलिस की चाहे लंबा टाइम लग गया हो, लेकिन इनकी कोशिश रंग लाई और अंत वो पकड़ा गया जी। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई, आप भी कभी एसएसपी, आईजी ऑफिस, लगातार आप लोगों ने भी काफी चक्कर काटे पुलिस डिपार्टमेंट के, लेकिन 14 साल का समय लगा। नहीं, हमारी तरफ से तो ये है कि भाई सारा जो पुलिस डिपार्टमेंट था सबने शुरू से ही अच्छा काम किया, लेकिन जहां भी कोई ऐसा ड्रॉबैक रहा या उसका टाइम था जो आप मर्डरर बता रहे हो उसका, कि वो बचता रहा और अल्टीमेटली वो एक दो दिन पहले अब पुलिस की कस्टडी में आया है। जो एसएचओ साहब जसपाल जी और मैडम और डीएसपी की सारी जो टीम है उसके लिए ना बधाई के पत्र। माता जी, किस तरह से देखते हैं, हालांकि कमी तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन जो आरोपी है जिसने बेरहमी से हमारी बेटी का मर्डर किया था वो पुलिस के गिरफ्त में। देखो, हम जो भी आपको मिल गया उसको फांसी तक लेके जाना आपका काम है। फांसी में भी उसकी सजा कम है। जो आप लोगों ने किया उससे हमें एक ये है कि भाई कौन था, क्या था, कुछ तो पता चला हमें। दिन रात हमें नींद भी नहीं आती थी। अब थोड़ा ये अभी जो है आपने मेहनत करके उसको अंदर डाल दिया और उसको फांसी तक भी। होनहार थी नेहा, जैसे आपने बताया, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, कबड्डी में, कराटे सीखे उसने, कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए कराटे होते हैं, हमने उसको वो भी सिखाए। कबड्डी भी स्कूल में खेलती थी। एमबीए उसने किया, बिजनेस में वो भी कंप्लीट उसका हो गया था। आपको याद है जब ये सारा इंसिडेंट हुआ था, आप ही खुद गए थे, काफी सर पे और बैक पे उसकी, बैक में पत्थर लगे, माथे पे पत्थर लगे उसको जी। सारी आंख लीली थी उसकी और सारा लीवर वगैरह उसका डैमेज, लात घूसों से बताया रिपोर्ट में कि लात घूसों से उसका डैमेज हुआ लीवर, और उससे उसकी डेथ भी हुई चोट ज्यादा लगने से। एक दो घंटे वो मिली नहीं, हम घूमते रहे और बाद में लेट पहुंचे हम उसके पास, जब गए तो नहीं था। अब फाइनली जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई और भी उसने मर्डर जो है वो किए थे जो आरोपी है, हालांकि नेहा के बारे में भी जानकारी दी कि पीछे से उसने वार किया था। पीछे से किया तो बच गया, सामने से करता तो वो उसको नहीं छोड़ती। कमजोर नहीं थी वो, यही उसका किस्मत लगाओ पीछे से करके उसने जो कुछ भी हुआ बच गया वो। राजवीर जी, क्योंकि जैसे जसपाल जी से भी बात हो रही थी, एसएसपी मैम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ा शातिर था आरोपी, हालांकि पहले भी मामले उस पर दर्ज हैं और इसी जो आपसे थोड़ी दूरी पर ही वो रह रहा था, लेकिन 14 साल बचता रहा। हालांकि पुलिस की फॉरेंसिक, टेक्निकल और कई चीजों में, जांच में, दिन रात की मेहनत पर वो जरूर गिरफ्तार हुआ है। शुरू से लेकर एंड तक अगर हम बात करें 14 सालों में, आप लगातार पुलिस के पास गए, पुलिस से बात की, लेकिन आपको कहीं किसी चीज पर शक लेकर या पुलिस के पास आपने जैसे इन्वेस्टिगेशन में साथ दिया? ना, हमें किसी चीज पे कोई शक नहीं था। पुलिस है ना, शुरू से ही अपना काम अच्छी तरह कर रही थी। सिर्फ स्टार्टिंग के अंदर जो भी उस टाइम जो डा वो किए गए सबूत
इकट्ठे करने के टाइम था, उस टाइम पर थोड़ी सी ये की गई कि भाई CFSL को कॉल ना करना, टाइम से डॉग स्क्वाड नहीं लाना, ये कुछ लापरवाहियाँ स्टार्टिंग में थी, लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने पूरे टाइम तक बहुत बढ़िया काम किया। टाइमिंग भी हालांकि लगा, लेकिन एक एक पॉइंट पे कह सकते हैं कि बिल्कुल सारा, मैं तो ये कह रहा हूँ शुरू से ही जो आदमी इस केस के साथ इन्वॉल्व था उसने पूरी मेहनत से काम किया है, और अल्टीमेटली जसपाल जी की मेहनत भी उसको क्रैक करने में जो साबित हुई कि भाई सबसे मतलब मेन यही है कि इन्होंने कोशिश की, वो कोशिश आखिरी में सफल हुई। और ये जरूरी भी है क्योंकि वो एक सीरियल किलर है, नेहा ही नहीं बल्कि दूसरी बच्चियों को भी उसने निशाना बनाया। हाँ, ये अगर ये और बाहर रहता तो और कुछ भी ऐसे इंसिडेंट होते, क्योंकि वो तो उसको आदत पड़ी हुई थी इन चीजों की। तो कई चीजें हैं, हालांकि परिवार 14 साल बाद ये पूरा मामला पुलिस ने सॉर्ट आउट किया है, और इसमें जो पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की है, जसपाल जी भी यहां पर बैठे हैं एरिया SHO, उनकी सुपरविजन में, DSP चरणजीत सिंह वीर उनकी सुपरविजन में ये पूरा फोरेंसिक टेक्निकल ह्यूमन इंटेलिजेंस। जसपाल जी, एक सवाल आपसे जरूर है कि हालांकि जिस तरह से कई चीजें हुई हैं, लगातार आपने पूरा इन्वेस्टिगेशन की, एक चीज है कि इस पूरे दिनों में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत ब्लाइंड मर्डर था, कह सकते हैं कि ब्लाइंड मर्डर था, टेक्निकली ह्यूमन इंटेलिजेंस फोरेंसिक बहुत सारी चीजों में, और जाके खुद ह्यूमन इंटेलिजेंस में इन्वेस्टिगेशन करना बहुत बड़ा लंबे समय था। ये एक तो केस बहुत पुराना था, 2010 का था, जब से हमारे SSP साहब आए हैं उन्होंने एक 20 जून को, जैसे आप को भी पता ही है, एक मीटिंग की थी, तो उसमें कुछ उन्होंने डायरेक्शंस पास की थी, जो उस डायरेक्शन के तहत हम लोग काम करते गए और उसी के तहत हमारे को इसका पता चला। बिल्कुल, तो आपने पूरा पॉइंट टू पॉइंट फोरेंसिक, इसमें टेक्निकल ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद लगातार, बिल्कुल उसमें सारे ये जो पॉइंट आपने बोले हैं, फोरेंसिक की मदद हमारे को बहुत मिली है, क्योंकि हम लोग फोरेंसिक की मदद तभी मिलेगी जब हम किसी को पहचान करके या किसी को सस्पेक्ट करके हम उसका कोई सैंपल भेजते हैं। तो जसपाल जी, इस केस में कितने लोगों से इन्वेस्टिगेशन की होगी, कितने लोगों से पूछताछ की होगी, अगर हम थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अगर हम बात करें? जो मेरे आने के बाद कम से कम भी 250 से 300 लोगों से हमने पूछताछ की थी, जो कि एक रंग लाई है। तो उनके पूरे अंगूठे के निशान, उनका पूरा सस्पिशन जो थे, सबसे पूछताछ की थी। सैंपल तो सभी की नहीं लिया, सैंपल को उसमें एक एज ग्रुप हमने तय किया था, मैं हमारे SSP साहब ने, कि हमने 35 से 40 साल का देखना, और उसके पर्टिकुलर एज ली थी कि इससे हो सकता है। हाँ, पर्टिकुलर एज इसलिए ले रहे थे क्योंकि नेहा का मर्डर जो हुआ था 2010 में हुआ था, और ये इसका जो मंजीत का मर्डर हुआ था वो 2022 में हुआ था, तो उसकी एज को डिफरेंस लग के उसमें 20-22 का होगा, तो अभी 37-38 साल का होगा। हालांकि ये बड़ी हैरानी की बात है कि मंजीत कौर के केस में इसको गिरफ्तार किया था, लेकिन इसने सारा कुछ नेहा के बारे में हाँ, पहले इसको हमने तो जो गिरफ्तार किया वो मंजीत कौर के केस में किया, लेकिन ड्यूरिंग इंटरोगेशन उसने अपने आप पूरा एपिसोड बयान किया। तो ये भी इसमें बहुत अहम है राजवीर जी, जैसे सर ने बताया कि हालांकि दूसरे केस में गिरफ्तार करके लेके आए थे, लेकिन नेहा के बारे में भी उसने जानकारी दी, और पॉइंट टू पॉइंट कि नेहा का मोबाइल कहां उसने बेचा, एक मोबाइल उसने यहीं बेचा, ये भी आपको, क्योंकि दो मोबाइल थे नेहा के पास उस समय। हाँ, दो मोबाइल थे उसके पास, और एक मोबाइल तो डंपिंग ग्राउंड से मिला था जी, एक मोबाइल को चार कॉलोनी चार में बेचा गया है, लेकिन उस टाइम भी उसके जो दुकानदार था उसके पास से कोई उसकी ना फोटो मिली बेचने वाले की, ना उसका कोई ना वो साइन थे, ना कोई उसका अंगूठा था। तो पुलिस के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में आप लोग भी लगातार लगे होंगे कुछ ना कुछ क्लू। हाँ, हम अपनी तरफ से भी कोशिश की हमने, और पुलिस तो लगी हुई थी उस मामले में, लेकिन आखिरी यही था कि भाई ना हाथ हमारे कुछ लगया नहीं। तो आप भी सोचते थे कि अब आगे कुछ होगा या सिर्फ खाली? नहीं, ये तो हम सोचते थे भाई ये क्रैक तो होगा। अच्छा, आपके दिमाग में था ये? तो हम सोचते थे कि भाई क्रैक होगा, लेकिन किसी दूसरे केस के साथ न लिंक होके क्रैक होगा ये, और वही बात हुई, वही बात जो जसपाल जी ने बताई हुई।
बिल्कुल बड़ा ही ब्लाइंड मर्डर था, जैसे सर ने भी बताया कि एक मनजीत कौर 2022 में मर्डर हुआ था, उस केस में जब पूरा फोरेंसिक की मदद ली गई, टेक्निकली ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली गई, लेकिन आरोपी को जब पकड़ा गया तो उसने नेहा मर्डर मामले में भी जो है वो बताया कि कैसे कैसे उसने वारदात को अंजाम दिया। हालांकि ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया गया है और भी चीजों को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं और किसी वारदात को तो अंजाम नहीं दिया, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है कि सीरियल किलर और ब्लाइंड मर्डर जिस तरह की वारदातों को अंजाम दिया, हिमाचल में भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था 2008 में, 2008-9 में भी इस वारदात को अंजाम दिया था और भी कई मामले चंडीगढ़ में भी किए हैं चेन स्नैचिंग को लेकर। पुलिस अब पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं और मामले तो नहीं इसने वारदात को अंजाम दिया, उसको लेकर भी पुलिस खुलासा करेगी जल्दी। चंडीगढ़ से कैमरामैन सनप्रीत सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब।